किसी भी समस्या के समाधान के लिए कोई तुम्हें सुझाव दे सकता है, परंतु उस समस्या का समाधान तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। जब तक हार की परवाह करोगे, तब तक जीत नसीब नहीं होगी। जिस प्रकार हर अंधेरी रात के बाद सुबह का आना तय है, ठीक उसी प्रकार हर दुख के बाद सुख का आना तय है। इसलिए चिंता छोड़ो और अपना कर्म करते चलो। अकाल मृत्यु उसी की होती है जो अपना कर्म अच्छे से नहीं करता। अगर लोग आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो निराश मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। समंदर भी अपना वजूद खो देता है जब महादेव का नारा लगता है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। अगर आप अत्यंत क्रोधी हैं, तो ये बात याद रखिए कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, लेकिन आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। इसलिए अपने क्रोध को बस में रखिए। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, अगर भोलेनाथ आपके साथ है तो आपको मृत्यु तो क्या, यमराज भी आपका कुछ नहीं कर सकता। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, मौत को भी देखकर वो हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा लगता है। भोलेनाथ कहते हैं, ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। प्रेम और चमत्कार वही संभव है जहां विश्वास अटल हो। आंखें बंद करो, थोड़ा ध्यान करो, बस महादेव से बात करो। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करो, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से खिलता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन इस दर्द से आप दुखी हो या नहीं, ये केवल आपके हाथ में है। यदि आप नेक लोगों की संगत करते हो तो आपको हमेशा भलाई ही मिलेगी, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद ही बनाना पड़ता है। जैसा मार्ग बनता है वैसा ही मंजिल मिलती है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप समझ जाना कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, संभव की सीमा जाने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, बस उस रिश्ते में जीवन होना जरूरी है। दुनिया आपसे मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना आप अपनी मंजिल तक चलते रहना। मेरे भोलेनाथ ने ना गिन के दिया ना तोल के दिया, जब भी दिया दिल खोल के दिया। कर्म वो आईना है जो हमारा असली चेहरा हमें दिखाता है। जहां पर स्वार्थ समाप्त होता है वहां से मानवता प्रारंभ होती है। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। कुछ रिश्ते भोलेनाथ खुद खराब करते हैं कि आने वाली आपकी जिंदगी खराब ना हो। महादेव कहते हैं, मैं तेरी दुनिया इस तरह साकार कर दूंगा कि आने वाले समय तुझे मेरे नाम से बुलाएगा। किसी के साथ हो तो महादेव की बातें किया करो, और अगर अकेले हो तो महादेव से बातें किया करो। इतना आसान नहीं होता। महादेव का भक्त बनना खुद को समर्पण करना पड़ता है महादेव के चरणों में। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ जाना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर कोई शिव भक्त अकेले में बैठकर मुस्कुरा रहा है तो आप समझ जाना महादेव से बातें हो रही है।
जो कभी भी दूसरे का दिल दुखाता है वो कभी शिव भक्त नहीं हो सकता। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, ना कि कम होती है। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। आप जैसा सोचते हो आप बिल्कुल बनते हो, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचो। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है उसे मृत्यु से कभी भय नहीं लगता, यही जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हो तो ये दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। नफरत से नफरत ही फैलती है, इसीलिए नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण प्रेमपूर्ण और निर्भय होता है वास्तव में वही ज्ञानी है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है कि एक सही शब्द बोल दो। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत कहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसको मन की शांति कभी नहीं मिलती। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात हमेशा याद रखना, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हो और निश्चित रूप से यह आदतें आपका भविष्य बदल देगी। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से कहीं अच्छा है एक दिन समझदारी के साथ जी लो। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को शुद्ध करो। महादेव कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच उसका व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखता है। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखना सीखो। इस संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती, हर एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से होता है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति हमेशा निंदा करता रहता है वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। सब कुछ समझने का अर्थ है कि सब कुछ माफ कर देना। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।